उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन, वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू जारी। सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। सुरंग के अंदर मजदूर अब सिर्फ 9 मीटर दूर, जल्द शुरू की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग। सुरंग के अंदर से ऑगर मशीन के पार्ट्स निकालने का काम जारी, प्लाज्मा कटर के जरिए पार्ट्स निकालने का काम जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूर पुष्कर सिंह एरी के परिवार के साथ भी मुलाकात की है। 15 दिन सुरंग में फंसे हुए हैं मजदूर पुष्कर सिंह एरी। लारे भाजपी ने हमले से पहले 2 दिन पहले तक की थी बस की रेकी, पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में एक्शन, पंजाब पुलिस के 7 अधिकारी सस्पेंड। सुरक्षा में चूक के मामले में तत्कालीन एसपी सांगा सस्पेंड, 2 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई को भी सस्पेंड किया गया। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान से भारत आया ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन, 5 किलो हेरोइन के साथ 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 राउंड कारतूस मिले हैं। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा से पाकिस्तान ने घुसपैठ किया गिरफ्तार, बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा, पूछताछ जारी। कोची की यूनिवर्सिटी में म्यूजिक कॉन्सर्ट में भगदड़ से बड़ा हादसा हुआ, 4 छात्रों की गई जान, कई छात्र घायल। हैदराबाद के शांति वनम पहुंचे पीएम मोदी, परिसर में किया पौधारोपण। पीएम मोदी ने शांति वनम में कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा देश बदल रहा है और ये भारत का अमृतकाल है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, मुंबई हमले के शहीदों को किया नमन। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की बधाई, संविधान दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को याद किया। संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा संविधान को तैयार करने में लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय। पीएम मोदी ने संविधान में हुए संशोधनों का भी जिक्र किया, आपातकाल के समय हुई गलतियों को सुधारने के लिए संशोधन को बताया जरूरी। स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग के लिए पीएम ने लोगों का जताया आभार, कहा आज स्वच्छता को लेकर लोगों की सोच बदली। कार्यक्रम में पीएम ने लोगों से की स्थानीय सामान खरीदने की अपील, लोकल फॉर वोकल से देश की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। पीएम ने डिजिटल लेन देन का भी किया जिक्र, कहा आजकल कैश देकर खरीद का चलन हुआ कम। पीएम ने भारत को विकसित करने के संकल्प को दोहराया, कहा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने मुंबई हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा मुंबई आतंकी हमले में जान की बाजी लगाने वाले जवानों को देश कर रहा है याद। 26/11 हमले की बरसी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अपराधियों को न्याय के गठघरे में लाने की हमारी कोशिश है जारी। 26/11 के हमले के शहीदों को अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने दी श्रद्धांजलि, बोले आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 के शहीदों को नमन किया, शहादत को किया याद। 26/11 हमले पर बोले भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन, दोनों देशों ने आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है और हम आतंक के खिलाफ साथ खड़े हैं। सोमवार को भारत दौरे पर आएंगे नासा के प्रमुख बिल नेल्सन, वैज्ञानिकों के साथ करेंगे मुलाकात। तेलंगाना के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी छोटे बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे राहुल। तेलंगाना के सीएम केसीआर पर भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा 10 साल से तेलंगाना में केसीआर की सरकार और भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के स्थापना के 11 साल हुए पूरे, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया, कहा हमारे नेताओं पर 11 साल में 250 से ज्यादा केसेस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे कंट्रोल रूम, वोटिंग के बाद वॉर रूम की टीम के साथ की चर्चा। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की अपमानजनक टिप्पणी, बोले हवा में उड़ना जरूरी है क्या, क्या पीएम को ये शोभा देता है। दिल्ली की हवा फिर हो रही है जहरीली, एक्यूआई 350 के पार किया गया दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 400 से ज्यादा, एनसीआर में भी छाई जहरीली धुंध। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिया बयान, कहा दिल्ली की हवा में मामूली सुधार संभव है, दिल्ली में हल्की बारिश की भी संभावना है। पंजाब के लुधियाना में भीषण हादसा, हाईवे पर टकराई कई गाड़ियां, धुंध की वजह से हुआ हादसा। 28 नवंबर से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 66 साल बाद नए नियमों के साथ संचालित होगा विधानसभा का सत्र।
लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की आवाज के बाहर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफिया का आतंक, ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या, अवैध रेत खनन रोकने पर चढ़ाया ट्रैक्टर। यूपी के प्रयागराज में हनुमान मंदिर कॉरिडोर का होगा निर्माण, महाकुंभ से पहले कॉरिडोर बनने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीजेपी सांसद पर अवैध खनन का आरोप, एनजीटी को सौंपी गई जांच रिपोर्ट, आरोप को बताया गया निराधार। यूपी के बिजनौर से सपा विधायक के बिगड़े बोल, सपा विधायक ने संगीत सोम को बताया सबसे बड़ा दंगाई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कार और ट्रेलर में टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के जालौन में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार कुमारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। राजस्थान के पाली में निर्माणाधीन नाले में गिरने से बाइक सवार की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे परिवार के लोग। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में गिरने की वजह से 2 मासूमों की मौत हो गई, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। बिहार के बेगूसराय में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने राज्य में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। झारखंड के पाकुड़ में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत, कैंप लगाकर लोगों की जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की टीम। महाराष्ट्र के पुणे में गिफ्ट नहीं देने पर पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार की गई। मध्य प्रदेश के दमोह में बनेगा देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार के भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, 200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फांक रहा है धूल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्र की मौत, हॉस्टल के बेसमेंट में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शमी ने की एक्सीडेंट का शिकार हुए शख्स की मदद, शमी ने जख्मी शख्स के हाथ में पट्टी बांधी। कोलकाता के चिंगरी घाटा में युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने आरोपी को बुरी तरह पीटा। दिल्ली की मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 26 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। यूपी के सहारनपुर में घी तेल के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, हादसे में बाल बाल बची, ट्रक ड्राइवर की जान, ट्रक पूरी तरह से जलकर राख। बिहार के अररिया में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, आग में झुलसकर दुकानदार की मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई, झुलसने से 5 लोग झुलस गए हैं, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारी मात्रा में डोडा बरामद, मौके से डीसीएम चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, युवक ने पत्नी और ससुर को उतारा मौत के घाट, फिर खुद को भी मारी गोली। यूपी के काशीपुर में 2 सगी बहनों की हत्या, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रेमी ने महिला को उतारा मौत के घाट, सरेआम कुल्हाड़ी और चाकू से किया हमला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तालाब से मिला युवती का शव, रायपुर एम्स में नर्सिंग स्टाफ थी युवती, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के मुंगावली में महिला ने से दुष्कर्म किया गया, जीआरपी बनकर आए 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के जसपुर में युवती के साथ रेप की वारदात सामने आई है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल, युवक गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में टीचर पर छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, शिकायत पर बाल अधिकार आयोग ने लिया एक्शन। बलिया में लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे समूह को रिहा किया, 13 इजरायली बंधक और 4 विदेशी नागरिकों की रिहाई हुई। हमास ने 4 थाईलैंड के नागरिकों को भी किया रिहा, बदले में इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कैदियों का हुआ स्वागत, हमास के झंडे लहराकर लोगों ने की जमकर नारेबाजी। रेडक्रॉस को सौंपा गया था बंधकों का दूसरा समूह, हमास ने वीडियो किया जारी। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बयान आया सामने, कहा संघर्ष विराम के बाद गाजा में आक्रामक कार्रवाई का आदेश। हमास की कैद से रिहा होने के बाद विदेशी नागरिकों ने जताया आभार, रिहा हुए विदेशी नागरिकों से इजरायल के विदेश मंत्री ने की मुलाकात। गाजा के अलशिफा अस्पताल की तस्वीरें भी आई हैं सामने, अस्पताल के बिगड़े हालात, फटे हुए बिस्तरों पर लेटे हुए नजर आए मरीज। शिबा मेडिकल सेंटर पहुंचे रिहा हुए बंधक, सभी 17 बंधकों की होगी जांच।
बंधकों की रिहाई पर आईजीएफ का बयान सामने आया। बंधकों की अदला बदली एक ऑपरेशन के तहत हुई है, अगली रिहाई के लिए धैर्य रखें। इसराइल हमास युद्ध पर ब्रिटिश प्रदर्शनकारियों का बयान, कहा स्थायी युद्ध विराम तक जारी रहेगा प्रदर्शन। लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारियों ने लहराए फिलिस्तीनी झंडे और बैनर्स। बुसान में दक्षिण कोरिया और जापान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। अंटार्कटिका में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और चिली के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, दोनों ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता।